हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन गुड इवनिंग एवरीबॉडी एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन वी आर लाइव नाउ दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू डी टेस्ट बुक गाइस सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं बस कंफर्मेशन देंगे सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं दो यार इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन टू बहुत इंडिया के बेस्ट एज है इलेक्ट्रिकल सेशन में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है और इसको हमेशा से बेस्ट आप लोगों ने बनाया है आपके प्यार ने बनाया है पिछले दो साल के अंदर अंदर गाइस जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं चाहे एग्जाम हमारे डी ट्रिपल एस बी एफ सी सी एल हो आरबीएनएल हो याबल एस बी हो एस एस सी जे हो या एन एचपीसी हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ओसी टी बोकारला का पेपर हो या पेपर हो आपका मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पेपर हो यूपी मेट्रो महाजैन को महाट्रांस को या पेपर हो वेस्ट बंगाल पीएससी आपको मेरे इन्हीं सेशन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और इस बार वादा करता हूं आपका आने वाले एग्जाम को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतर बनाने वाला हूं जिसका नाम है एसएससी एस जेई सीबीटी टू देन हम बात करते हैं पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग देन अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड देन अगर मैं बात करूं करू एटॉमिक रिसर्च सेंटर और अगर मैं बात करता हूं आपके लिए एक और वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम जो कि आपका है मार ट्रांसको ई का इन सभी एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से हम लोग मिलते हैं शाम को छह चार से छह मंडे से लेकर फ्राइडे तक और सैटरडे संडे को हमारा मैराथन सेशन होता है गाइज चलिए सो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर कर देना सभी बच्चे अपने लेवल पर और बढ़िया तरीके से सेशन के अंदर आग लगाने का काम करना चालू कर देते हैं क्लैरिटी है क्या एब्सोल्यूटली परफेक्टली क्लैरिटी है सर बहुत ही बढ़िया बहुत उमदा बहुत उमदा बहुत बढ़िया क्लियरिटी है क्या नया टेगलाइन चाहिए चलिए नया टैगलाइन बनाते हैं आज चलो यूके पी एस सी भी है भाई ठीक है चलिए सो देखेंगे द डब्ल्यू इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर एच विल बी द हॉरिजॉन्टल टेंशन एंड आई बी द द लेंथ देन इज अ फ्रीली सस्पेंडेड कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय तो आपको बताना है यहां पर कि आपके पास W अगर कंडक्टर का वेट है पर यूनिट लेंथ H हमारा हॉरिजॉन्टल स्पैन है टेंशन है और अगर मैं बात करता हूं I इज द स्पैन लेंथ है तो सेग का फॉर्मूला क्या होगा यार अगर मैं किसी कंडक्टर की बात कर लेता हूं यानी कि किसी चालक की बात कर लेता हूं तो किसी भी चालक के अंदर की अगर मैं बात करता हूं तो जो

द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इस पर्टिकुलर सिस्टम का आउटपुट कैलकुलेट करनाबडी शुड कैलकुलेट दिस आउटपुट ऑफ द फोलोइंग इसका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे एवरी वन इसका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे एवरी वन जल्दी से इसका जल्दी से आउटपुट कैलकुलेट करेंगे सभी बच्चे जितने भी अवेलेबल हैं एवरी वन जल्दी 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 फटाफट फास्ट क्या बात है तो जल्दी से इसका आउटपुट कैलकुलेट करेंगे गाइस सभी बच्चे द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग इज एज्यूमिंग आइडियल डायोड अगर आपके पास यहां पर आयोड डायोड हमारा आइडियल है तो आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है अगर आपके पास डायोड आइडियल है तो यहां पर आउटपुट कैलकुलेट करना है ठीक है तो यहां पे देखेंगे गाइस आप लोग यहां पर ये देखोगे इनपुट सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है लाइक दिस ये हमारे पास बेटा मैक्सिमम वैल्यू है अब आप देखोगे अगर पॉजिटिव साइकिल आएगी और यहां देखोगे नेगेटिव साइकिल है तो अगर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो आप देखोगे ये डायोड लगा है जाहिर सी बात है बेटा ये डायोड अगर लगा हुआ है ठीक है और इस डायोड में बेटा नीचे एक बैटरी भी लगी हुई है ध्यान रखना है ना इस डायोड में क्या लगी हुई है नीचे एक बैटरी भी लगी है और ये जो बैटरी है ना वो कुछ इस प्रकार की लगी हुई है चलो मैं आपको जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी भी मिले है ना चलिए तो जूम कर देते हैं यहाँ पे आप लोगों को ताकि क्लैरिटी मिले ये हमारा क्वेश्चन है अब जरा आपको समझने की कोशिश करना है तो बेटा आप खुद ही देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखू मेरे पास इनपुट की वेफॉर्म तो यहां पर ये यह अवेलेबल है दिस इज द वे फॉर्म ऑफ इनपुट देन अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर मेरे पास ना ने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मतलब ये बैटरी लगी है यानी कि अगर मैं अपने इस पोटेंशियल को थोड़ी देर के लिए जीरो वोल्ट मानता हूं तो मेरा ये डायउट के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल जो है ना वो बेसिकली मेरा माइनस का वी होता है और यहां से इनपुट आ रहा है कितना बेटा वी इससे यह समझ में आया कि जब जब आपकी वी की वैल्यू जब जब मेरी जान आपकी वी का जो वैल्यू इनपुट वोल्टेज माइनस वी से ज्यादा होगा जब जब आपका वीआई का वैल्यू माइनस वी से ज्यादा होगा तब तब आपका डायोड क्या होगा बेटा ऑन होगा और जब जब आपका डायोड ऑन होगा आउटपुट वोल्टेज जो हमारा है वो माइनस वी के बराबर ही हो जाएगा सिमिलरली उल्टा भी कर लेते हैं तो देखो यार बहुत सिंपल सी बात है अब यार यहां पर देखो माइनस वी बनाना था है ना तो माइनस वी बनाना था यही समझ में आना था देखो जरा तो माइनस वी बनाना था या कुछ भी आप ऐसा ले सकते हो तो आप देखोगे यहां पर बढ़िया तरीके से हम लोग जो आंसर है उसी की वेब को समझते रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इधर देखो तो आउटपुट में बेटा ये इस तरीके से क्लिपिंग मिल गई आउटपुट में हमको ये इस तरीके से क्लिपिंग मिल गई कैसे क्लिपिंग मिल गई बताता हूं आप मुझे बताओ बेटा जब पॉजिटिव साइकिल आएगी लेट सपोज मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए जब पॉजिटिव साइकिल आएगी यहां पर पॉजिटिव साइकिल तो जब जब पॉजिटिव साइकिल आएगी जाहिर सी बात है कि हमारा डायोड क्या रहेगा पॉजिटिव साइकिल जब भी आएगी है ना तो वी आई आएगा तो पॉजिटिव साइकिल मेरी जान जब भी आएगी तो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती और जब भी कभी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती तो जाहिर सी बात है कि मेरा डायोड क्या रहेगा और मेरा डायोड क्या रहेगा ऑफ कंडीशन में रहेगा है ना है ना और ऑफ कंडीशन में रहेगा तो देखो मेरा शुरुआत में मेरा डायोड क्या है बेटा ऑफ कंडीशन में कहाँ गया देखो शुरुआत में मेरा डायोड क्या है बेटा ऑफ कंडीशन में देखो और जब मेरा डायोड ऑफ में रहेगा तो मेरा आउटपुट वोल्टेज जो रहेगा वो इनपुट वोल्टेज के बराबर रहेगा थो। थोड़ी देर बाद मेरा डायोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा इधर देखो थोड़ी देर बाद डायोड मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा थोड़ ऑन हो जाएगा जब मेरा डायोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा बस तो गेम खत्म हो जाएगा जैसे ही मेरा डायोड ऑन हो जाएगा तुरंत मेरा आउटपुट वोल्टेज बी के बराबर हो जाएगा तो मेरा आउटपुट वोल्टेज अरे यार क्या है मेरा आउटपुट वोल्टेज बी के बराबर होगा उसके बाद वापस से मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या वो हो जाएगा जाए। इनपुट वोल्टेज के बराबर इस तरीके का सवाल है आराम से आप बना लोगे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं यस आईसीसी चलिए नेक्स्ट इन द डायग्राम बिलो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट इन थ्री ओम रजिस्टर इस डायग्राम में बेटा थ्री ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होता है जल्दी बोलेंगे इस डायग्राम में थ्री ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होता है जल्दी बोलेंगे एवरीबडी सुरेश so, भाई क्लियर नहीं हुआ क्या आता हूं मैं क्लियर करता हूँ वेट मैं क्लियर करता हूं जिस बच्चों को पुराना क्वेश्चन क्लियर नहीं हो एक बार और क्लियर करेंगे डोंट वरी ठीक है जिस बच्चे को पुराना क्वेश्चन क्लियर नहीं वो एक बार और वेट करें अभी एक बार और करेंगे डोंट दोनों

और ये बैटरी 12 वोल्ट की है तो आप ही मुझे बताओ बेटा यहाँ से जाने वाला करंट कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय तीन करेंगे तो यहाँ से जाने वाला करंट कितना हो जाएगा बेटा चार एम्पियर का करंट हो जाएगा कितना हो जाएगा चार एम्पियर का करंट हो जाएगा ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज विच कैन बी एप्लाइडोर दिशा में एक अधिकतम मात्रा में क्या वोल्टेज एक डायोट पर लगाया जा सकता है ताकि उसका ब्रेकडाउन ना हो एक बार जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एवरी वन फास्ट बहुत बढ़िया तो बेटा जिंदगी में कभी भी अगर आप लोग किसी भी एक डायोट को लेकर आते हो तो आप इस डायोड के ऊपर एक लिमिटेड वोल्टेज लगा सकते हो रिवर्स में और दैट लिमिटेड वोल्टेज होता है आपका कितना ये yeah, अवेलेबल है तो एक लिमिटेड वोल्टेज जो डायोड पे लगाया जा सकता है उसी वोल्टेज को अपन लोग क्या बोलते हैं पी आई वी यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं उसी वोल्टेज को अपन रिवर्स में क्या बोलते हैं गाइस पी आई वी यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं एक ऐसा वोल्टेज गाइस जो डायोड के रिवर्स में लगाया जा सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं पी आईवी यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिनोमिना अराइजिंग ड्यू टू अनुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंट ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन इज रेफर्ड एज लंबी दूरी की संचरण लाइनों में चालक के पूरे अनुप्रस्थ काट पर धारा के आसमान वितरण के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाओं को किस रूप में देखा जाता है तो बेटा याद रखना एक फिनोमिना ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन तो आपका जो कंडक्टर होता है ना उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाता है अनइक्वल कुछ इस प्रकार का होता है कि बाहर करंट ज्यादा रहता है और अंदर की तरफ करंट क्या होता है सरफेस पे करंट ज्यादा रहता है और अंदर की तरफ करंट हमको क्या देखने को मिलता है कम देखने को मिलता है तो बेटा बाहर करंट हमको ज्यादा देखने को मिलता है और अंदर की तरफ करंट हमको क्या देखने को मिलता है कम देखने को मिलता है और जब अंदर की तरफ करंट हमको कम देखने को मिलता है इसी को प्यार से क्या बोला था त्वचा तो प्रभाव यानी कि प्यार से क्या बोला था स्किन इफेक्ट बोला था क्लैरिटी है यस सर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कंडक्टिविटी और और बतानी है आपको कार्बन और यूरेगा के बारे में बताना है मैच दी फॉलोइंग जल्दी करेंगे एवरीवन और सेशन को दिल से शेयर एंड लाइक करेंगे आज दिल से सेशन को शेयर एंड लाइक नहीं किया है मेरे को लगता है नहीं कर दिया है कर दिया है। कर दिया है मेरी जान चलिए करो जल्दी करेंगे मस्त पानी पियो ठंडा कोई दिक्कत नहीं है अपूर्व बेटा पीडीएफ के लिए कल ही तो बोला था यार इस वीकेंड तक रुक जाओ है ना वीकेंड तक रुक जाओ सारे पीडीएफ मिल जाएंगे यार कहीं लेके थोड़ी जाऊंगा पीडीएफ को चलिए तो यहां पे देखेंगे गाइस कंडक्टिविटी जो है आपकी सिमंस मीटर है ना तो कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं तो कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है तो कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो कंडक्टिविटी जो हमारे पास अवेलेबल है कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं <coughs> तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा वो होता है बेसिकली कितना रो एल ए, ये बेसिकली हमारा क्या होता है रजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है रो एल बाय हमारे पास अगर रेजिस्टेंस रो एल अवेलेबल है अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कितना अवेलेबल है रो एल बाय ए तो बेटा यहां से रो क्या होती है रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी होती है ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर ये हमारी रजिस्टिविटी होती है अब ये रजिस्टिविटी होती है बेटा और वन अपॉन रजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी बोलते हैं तो कंडक्टिविटी हो जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय ओम मीटर स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा हमारा कितना वन अपॉन ओम मीटर तो वन अपॉन ओम मीटर मतलब हो जाएगा सीमंस पर मीटर तो कंडक्टिविटी की यूनिट निकल के आती है सीमंस पर मीटर सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कार्बन के बारे में तो कार्बन क्या है रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सही बात है कार्बन के अंदर नेगेटिव होता है जिस वजह से इसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा तापमान के बढ़ने से बहुत प्यारे सर तीसरा होता है यूरे यूरे का मतलब होता है देर इज नो चेंज इन द रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो यूरे बेसिकली एक ऐसा टेम्परेचर कोफिशियंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो तो जीरो ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है जिसकी वजह से तापमान के बढ़ने से इसके रजिस्टेंस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो वन का बी हो जाएगा टू का सी हो जाएगा और थ्री का डी हो जाएगा वन का बी टू का सी और थ्री का डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन तीन रजिस्टेंसेज है वन ओम टू ओम और थ्री ओम के इन तीनों को हमने एक डेल्टा में लगा के रखा है फिर से मैं बोलता हूं तीन रजिस्टेंस वन ओम के टू ओम के और थ्री ओम के इन तीनों को मैंने लगा के रखा है एक डेल्टा के अंदर इन तीनों को मैंने लगा के रखा हुआ है एक डेल्टा के अंदर इन तीनों को मैंने लगा के रखा हुआ है एक डेल्टा के अंदर अब आपको बताया जाता है कि अगर मैंने इन तीनों को एक डेल्टा में लगा के रखा है आपके सामने यहां पर अवेलेबल है अब इसको अगर मुझे एक स्टार में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा तो मेरी जान अगर आपको यहां पर स्टार में कन्वर्ट करना है तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो आपको किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि आपको यहां पे बताया जाएगा तो इधर देखेंगे सबसे पहले अगर आपको यहां पर इसको एक स्टार में कन्वर्ट करना है अगर आपको यहां पर एक स्टार में कन्वर्ट करना है तो ये बेसिकली हमारा स्टार कन्वर्जन कहलाएगा और स्टार कन्वर्जन में सबसे पहले आता है आपका आर वन तो बेटा आर वन का वैल्यू कितना निकल के आएगा जल्दी बताओ मेरे को तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो कैसे निकालते हैं डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए कैसे निकालते हैं डेल्टा को अगर आपको स्टार में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे जल्दी बोलो फटाफट हाँ किस किस से मिल के बनाए वन और टू से मिलकर है तो जिनसे मिलकर बना हुआ है उसको लिख लो वन इंटू टू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टोटल टोटल कितना है प्लस थ्री कितना हो जाएगा तो टू एक तीन तो और यानी कि हमारा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी अच्छा हाईएस्ट पूछिए क्या चलिए आर टू को निकाल देते हैं आर टू कौन सा ये वाला तो आर टू किस किस से बना है बेटा वन और थ्री से तो वन इंटू थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स यानी कि ये कितना सिमिलरली आर थ्री कितना निकलेगा ये वाला तो ये वाला कितना बना है तो टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई कितना आ गया वन ओम तो हाइएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है ओम ओम तो करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर ऑफ ऑफ दिस क्वेश्चन इज इज परफेक्ट हाउ मेनी नंबर कॉइल विल बी देयर इन डायनेमोमीटर टाइप पावर फैक्टर वॉटमीटर एक पावर फैक्टर वॉट मीटर डायनेमोमीटर में कितनी कॉइल होती है जल्दी बोलेंगे एक डायनेमोमीटर वॉटमीटर में कितनी कॉइल होती है जल्दी बोलेंगे चलिए तो अगर हम बात करते हैं एक पावर फैक्टर मीटर जो कि एक पावर फैक्टर है पावर फैक्टर है बट पोटेंशियल यानी कि जो प्रेशर कॉइल होती है वो बेसिकली क्या है दो अवेलेबल है तो दो हमारी प्रेशर कॉयल है और एक बेसिकली हमारी क्या होती है करेंट कॉल तो दो वोल्टेज कॉयल है और एक क्या है हमारे पास करेंट कॉल अवेलेबल तीन फेस का चार पोल का फिफ्टी हर्ट्स का इंडक्शन मीटर है फिर से बोलता हूं तीन फेज का चार पोल का फिफ्टी अर्ट का इंडक्शन मोटर है जो कि रन करता है 1440 सौ आरपीएम पे द रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस बायटर रोटेटेट स्पीड ऑफ डैश डेपीएम विध रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड फिर से बोलता हूं एक तीन फेज का चार पोल का फिफ्टी अर्ट्स का इंडक्शन मोटर है जो कि रन करता है स्पीड ऑफ फोर्टीन फोर्टी आरपीएम पे तो आपको बताना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रोटर रोटेट एड डैश स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड तो बेटा रोटर की फील्ड स्टेटर की फील्ड के रिस्पेक्ट में रोटर की फील्ड स्टेटर की फील्ड के रिस्पेक्ट में हमेशा याद रखना स्टेशनरी होती है क्या होती है हमेशा याद रखना स्टेशनरी होती है तो रोटर की फील्ड एक स्टेटर की फील्ड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होती है यही पूरे के पूरे थ्री फेस इंडक्शन मोटर का क्या है जान है और पूरी की पूरी थ्री फेस इंडक्शन का ब्रह्मस्त्र है ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पी एम एमसी एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का इनमें से कौन एक एडवांटेज नहीं है ये डिस्प्ले करता है नो no हिस्टेरिस मतलब कोई शैथिल्य को डिस्प्ले नहीं करता देर इज अ फ्रिक्शन ड्यू टू जॉल ज्वेल पाइवेट सस्पेंशन एक ज्वेल पाइवेट सस्पेंशन से यहां पर क्या होता है फ्रिक्शन होता है

तो एक देखेंगे 50 हर्ट्स पे अगर मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब मैं पचास हर्ट्स की बात करने जाऊंगा तो जो हमारा कोरोना लॉस हमारे पास अवेलेबल है वो कितना है बेटा वन लेकिन अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बेटा 25 फाइव हर्ट्स हो जाएगी तो मेरा जो कोरोना लॉस है वो कितना हो जाएगा ये सवाल है तो फिर कोरोना लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी प्लस 25 होता है ध्यान रखिएगा अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ प्लस ट्वेंटी फाइव होता है अब कोरोना लॉस वन अपॉन कोरोना लॉस टू की अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा एफ वन प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय हो जाएगा एफ टू प्लस ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा अब एफ वन प्लस ट्वेंटी फाइव कितना होता है बेटा तो यहाँ पे देखो पचास प्लस पच्चीस और नीचे वाला पच्चीस प्लस पच्चीस तो कितना निकल के आ जाएगा ये तो ये हो जाएगा वन अपॉन पी सी टू इक्वल टू पचास प्लस पच्चीस और डिवाइडेड बाय हो जाएगा पच्चीस प्लस पच्चीस ये निकल के आ जाएगा पचास प्लस पच्चीस बेसिकली सबको मालूम है कि कितना होता है सेवेंटी फाइव होता है डिवाइडेड बाय कितना है 50 है। तो 75 बाय 50 करोगे तो 1.5 1.5 आएगा। तो निकल के आ रहा है? तो 1.5 1 करोगे तो कितना निकल के तो वैल्यू निकाल दीजिए। समझे मेरे कछुए चलो नेक्स्ट अ मेटेलिक रिंग हैज लेंथ ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर इट इज वाउंड विथ अ कछुए का वो क्या होता है कछुए का वो अपोजिट लिंग क्या होता है कछुई क्या होता है होता ही नहीं है कुछ कछुए का नहीं होता क्या इंग्लिश मेरे को इंग्लिश बता रहा है अबे ये मेरे को भी मालूम है स्कूल में सीखा था मैं अबे कछुए का वो पूछ रहा हूं नहीं होता कछुए का कछुई होता है नहीं होता है? मादा का छुआ है फीमेल टर्टल वाह वाह नहीं होता है चलो आ जाओ कोई बात नहीं क्या भाई तुम लोग को यही समझ में नहीं आता क्या होता है हैं हैं है? चलो जरा पढ़ाई करो फालतू ये नहीं कि सर यही कर लेते हैं। सर काय को दिमाग लगा रहे हैं मतलब मैंने बोल दिया कछुए का कछु ही होता तो उसमें दिमाग लगा रहे थे तो हाँ कछुई होता होगा चलिए आ जाओ बेटा तुम्हारा कछु चलो तो यहां पे देखेंगे एक मेटल की रिंग है और एक मेटल की रिंग है जिसकी जो मीन लेंथ है है ना इसकी जो लंबाई मेटल की रिंग की वो कितनी है बेटा सेंटीमीटर अब इसकी लंबाई ट्वेंटी सेंटीमीटर है इट इज विन से थाउजेंड नंबर ऑफ टन से कितने नंबर ऑफ टन से थाउजेंड नंबर ऑफ टन से क्या बेटा है नंबर ऑफ टन से क्या है मेरी वाउंडेड है थाउजेंड नंबर ऑफ टन से मेरी क्या है वाउंडेड ये मेरी थाउजेंड नंबर ऑफ टन से क्या है वाउंडेड अगर इसके बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ टर्स हमारे पास इसके अवेलेबल है कितने एक हजार नंबर ऑफ टर्स हमारे पास इसके अवेलेबल अगर हम लोग बात करते हैं करंट थ्रू द वायर वन एम्पियर इज तो अगर मान लीजिए इससे एक एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर इससे एक एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा ठीक है एच का वैल्यू कितना हो जाएगा तो बेटा एच का फुल फॉर्म form क्या फॉर्मूला क्या होता है तो एच का फॉर्मूला होता है सिंपल सी बात है एच का फॉर्मूला क्या होता है एन आई एन आई नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय मीन लेंथ तो बेटा एच का वैल्यू एन का वैल्यू कितना है थाउजेंड टन करंट कितना अवेलेबल है गया करिंट, करिंट गया करंट करंट मीन लेंथ कितनी जीरो पॉइंट टू तो यहां से इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो मेरे हिसाब से आंसर निकल किया जाएगा तो बेटा ये कितना निकल किया जाएगा टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू मेरे हिसाब से फाइव थाउजेंड एम्पियर टन पर मीटर हमारा परफेक्टली करेक्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट करती है कौन से पावर फैक्टर पे एक अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कौन से पावर फैक्टर पे काम करती है एक अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कौन से पावर फैक्टर पर काम करती है जल्दी बोलेंगे एक अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कौन से पावर फैक्टर पर काम करती है एक अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं तो मान लेता हूं बेटा कि मैं सिंक्रोनस मोटर हूं और अगर मान लो मैं सिंक्रोनस मोटर हूं तो मैं अंडर एक्साइटेड हूं और अगर आज की डेट में मैं अंडर एक्साइटेड हूं तो मेरे अंदर कमी है मेरे अंदर कमी है मतलब मेरे एयर गैप में फ्लक्स कम है मेरे बाल्टी में पानी कम है तो मैं सप्लाई को बोलूंगा मुझे दे दो अगर मुझे वो दे रहा है मतलब मेरा वो सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट कर रहा है मतलब मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन अब मैं लेने वाला हूं मतलब मैं इंडक्टर हूं जो कोई रिएक्टिव पावर लेता है वो

सेग बचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में क्या करें ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते बेटा तो जितना वजन है उतना तो रहेगा ही रहेगा जितना लेंथ है उतना भी रहेगा ही रहेगा और बस ये है कि हम अच्छे क्वालिटी का एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं और थोड़ी स्टील के द्वारा अच्छा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं पास कोई और तरीका नहीं तो सैग हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है हो ना तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताता हूं आपका बाल है सिर का एक टाइम बाद जाके सफेद हो गई होगा ये सबको मालूम है ना पहले से मालूम है तो अब वो हो रहा है तो होने दो ना एक टाइम बाद जाके वो होगा अगर वो मान लो बहुत कम एज में हो जाए तो दिक्कत वाला पार्ट है तो इंसान सोचता है है कि नहीं तो ऐसी सैग है तो सैग हो रहा है तो होने दो ना वो तो होना ही है वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है बट अगर मान लो बहुत ज्यादा हो जाए मतलब ऐसा वायर था और इतना बड़ा झोल बन जाए वो दिक्कत का काम चलिए तो बेटा एक ऑसिलोस्कोप की बात कर लेते हैं तो ऑसिलोस्कोप में मान लेता हूं ये हमारे पास एक डिस्टेंस है आठ सेंटीमीटर का और ये वर्टिकल सेंसिटिविटी है तो बेटा वर्टिकल सेंसिटिविटी हमको देखे रखिए चार वोल्ट पर सेंटीमीटर अब फॉर एट सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा अगर मैं बात करता हूं एट सेंटीमीटर के लिए तो एट सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा सॉरी एट सेंटीमीटर के लिए मैं बात कर लेता हूं तो एट सेंटीमीटर के लिए कितना निकल के आ जाएगा एट सेंटीमीटर के लिए आ आ जाएगा 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 कितना कितना हो जाएगा? तो हो हो गाइस तो मेरा है ना कितना हो जाएगा? 32 वोल्ट निकल के बेटा बत्तीस वोल्ट मेरा निकल के आ रहा है अब ये वर्टिकली वोल्टेज मेरा थर्टी टू है वर्टिकल वोल्टेज मेरा थर्टी टू का मतलब होता है कि ऊपर सोलह होना चाहिए और नीचे सोलह होना चाहिए ऊपर का सोलह और नीचे का सोलह इसको बोलते हैं वर्टिकल वोल्टेज है ना नीचे 16 ऊपर 16 अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 16 वोल्ट ये क्या है बेटा हमारी मैक्सिमम वैल्यू है है कि नहीं यस yes, सर अब आप बोला है एवरेज वैल्यू क्या होगी एवरेज वैल्यू की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो एवरेज वैल्यू जो होता है मेरा वो टू टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है तो टू इंटू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई तो टू इंटू सोलह डिवाइडेड बाय पाई करने जाऊंगा तो टेन के आसपास निकल के आएगा तो एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है टेन के आसपास आ जाएगी क्लैरिटी है क्या एब्सोल्यूटली क्लैरिटी है सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं द लिसाजू पैटर्न ऑब्जर्व इन सीआरओ इज शोन इट इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो पहले देख लो वर्टिकल अपॉन हॉरिजोंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है और आपके सामने यहां पर ये लिसाजू पैटर्न गिवन तो ये लिसाजु देखे रखा है आपने और वर्टिकल और डिवाइड बाय हॉरिजोंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है अब आप देखोगे ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है, है और ये एक पॉइंट है सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक बार टच किया हुआ है इस पॉइंट पर तो याद रखो यार इनको क्या बोलते हैं वर्टिकली कितनी बार टच किया है और हॉरिजोंटली कितनी बार टच किया है तो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी डिवाइडेड बाय होता है वर्टिकल टेंजेंसी तो बेटा वर्टिकल फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना निकल के आ जाएगा हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी हॉरिजॉन्टल में टेंजेंसी कितनी है एक दो तीन चार तो बेटा हॉरिजॉन्टल में जो टेंजेंसी है वो एक ये रही एक ये रही दो ये, एक, तीन और ये का? जितनी बार कट करेगा. चार टेंजेंसी है और वर्टिकल में कितनी टेंजेंसी है? है तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका फोर इस टू वन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर इस टू वन इज दफेक्ट करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज कॉमनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस जल्दी करेंगे एवरी वन और कल हमारी मे... कल हमारी मैराथन सेशन है क्योंकि कल है सैटरडे और परसों है संडे तो दोनों दिन को मैराथन होता है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए तो बेटा देखो इनमें से आपको बताना था कॉमनली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस तो अगर मान लेता हूं आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो मान लेता हूं आप लोगों को कैपेसिटेंस मेजर करना हो अगर आपको ये दोनों मेजर करना है तो यू शुड गो फॉर फॉरवर्ड वेन्स ब्रिज आपको कहां जाना पड़ेगा बेटा वेन्स ब्रिज के लिए जाना पड़ेगा कहां जाना पड़ेगा वेन्स ब्रिज के पास जाना पड़ेगा वेन्स ब्रिज क्या करता है फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकता है और कैपेसिटेंस भी मेजर कर देता है ध्यान रखिएगा वेन मेजरिंग पावर wattmeter एन a circuit having इन सर्किट factor, एक न्यून शक्ति गुणक वाले परिपथ में विद्युत तो डायनेमोमीटर वॉटमीटर के साथ शक्ति को मापते समय क्या होना चाहिए आप बताइए क्या लगाओगे करंट कॉइल को लोड साइड लगाओगे वोल्टेज कॉइल को लोड साइड लगाएंगे जल्दी बोलें। कृष्णा बेटा पांच बार एक ही बात को लिखने से क्या होता है एक बार दे बहुत है बस इससे होता क्या मतलब खाना आजम हो जाता है कि पांच बार लिखे तू तो नहीं ही बात को कल है यूपी में पीटी कल नहीं होगा क्लास क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा कल मेरे घर के बगल में शादी भी है फिर भी क्लास होगा है? चल तो वाइल मेजरिंग पावर विथ एन इलेक्ट्रोडनेमोमीटर वॉटमीटर अगर मान लेता हूं मैं एक इलेक्ट्रो वॉट मीटर यानी कि एक ईडीएम की मैं बात करने जाऊंगा ठीक है तो लो पावर फैक्टर वॉटमीटर है अगर तो आपको बताना है पावर मेजर करना हो तो क्या करोगे तो याद रखिएगा बेटा लो पावर फैक्टर वोट मीटर के साथ हमेशा करंट कॉइल को लोड साइड लगाओ करंट कॉइल को ऐसा कुछ नहीं है देखो यार करंट कॉइल को लोड साइड लगाना है कि पोटेंशियल कॉइल को लोड साइड लगाना है ये डिपेंड करता है कि आप पावर कितनी पड़ रहे हो आप ज्यादा पावर मेजरमेंट के लिए करंट कॉइल को सप्लाई साइड लगाते हो कम पावर मेजरमेंट के लिए करंट कॉइल को लोड साइड लगाते हो तो ये आंसर तो दोनों हो ही नहीं सकते इंपॉर्टेंट ये लिखा था कि जब भी पावर मेजर करना हो ईडीएम से तो क्या मैंडेटरी है मैंडेटरी है कंपनसेटेड वोटमीटर लगाना पड़ता है मतलब एक compensating coil को लगाना पड़ता है और वो भी प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में ठीक है चलिए नेक्स्ट द कम्यूटेटर पिच ऑफ सिंपल एक्स वेव वाइंडिंग इज इक्वल टू कम्यूटेटर पिच एक सिंपल एक्स वेव वाइंडिंग की क्या होगी जलिए एवरीवान और सेशन को दिल से लाइक मार देना रे रहे सौ पांच बच्चा क्लास में लाइक मात्र फोर्टी एट करके बैठे हुए हैं एक बार दिल से एक अलग लेवल पे लाइक हो जाना चाहिए यार एक एक बार दिल से अलग लेवल पे लाइक हो जाना चाहिए मतलब टिंग 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 वाला है ना टिंग 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 पांच बार टिंग टिंग होना चाहिए चली द कम्यूटेटर पिच ऑफ सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग इज इक्वल टू एक सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग की कम्यूटेटर पिच जो होती है हमारी वो हमेशा एवरेज पिच के बराबर होती है क्या बोला मैंने एक कम्यूटेटर पिच जो होती है सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग की वो एवरेज पिच के बराबर होती है याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां पे आपके सामने बेटा तीन स्टेटमेंट दिए हैं पहला स्टेटमेंट है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट हैज मोर देन वन पाथ फॉर फ्लक्स पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट पैरेलल 80 मतलब एम्पियर रिक्वायर्ड फॉर द पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू 80 रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द पाथ जल्दी करेंगे चलिए बेटा देखो यहां पर आपके पास तीन स्टेटमेंट अवेलेबल हैं और जब भी ये तीन स्टेटमेंट अवेलेबल हैं तो पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के पास मोर देन वन पाथ फॉर फ्लक्स होता है बिल्कुल सही बात है है ना पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट एनालॉगस होता है सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं भाई सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के एनोलॉगस पैरल मैग्नेटिक सर्किट बिल्कुल भी नहीं होता

डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंगल फेसिटर रन इंडक्शन मोटर एक सिंगल फेस की कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन अगर रोटेट करना हो तो कैसे करेंगे क्या बोला मैंने एक सिंगल फेस कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर की अगर डायरेक्शन को रोटेट करना होगा तो कैसे रोटेट किया जाएगा एक सिंगल फेस कैपेसिटर इंडक्शन मोटर की अगर डायरेक्शन को रोटेट करना होगा तो कैसे रोटेट करेंगे द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंगल फेस कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर इज रिवर्स बाय तो अगर डायरेक्शन रोटेशन की रिवर्स करना हो तो बेटा तो आपको इंटरचेंज करना पड़ता है टर्मिनल्स ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स को क्या करना पड़ेगा इंटरचेंज करना पड़ेगा एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स को क्या करना पड़ता है इंटरचेंज करना पड़ता है क्या एसी सप्लाई के टर्मिनल को इंटरचेंज कर सकते हो नहीं भाई अगर एसी सप्लाई के टर्मिनल्स को इंटरचेंज करोगे तो आपकी मोटर उसी दिशा में घूमती रहेगी क्योंकि एसी सप्लाई जो है वो ऑक्सिलरी पे भी लगी है और मेन पे भी लगी है तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा इंटरचेंज कर दो टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर ऐसी गलती भी बिल्कुल मत करना अगर कैपेसिटर इंटरचेंज कर दोगे ठीक है है ना कैपेसिटर अगर इंटरचेंज कर दोगे तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा बोथ द वाइंडिंग सेम वही बात हो गई जो पहला वाला स्टेटमेंट है तो बोथ द वाइंडिंग हो चाहे एसी सप्लाई बात एक ही है तो आपको या तो मेन वाइंडिंग के टर्मिनल को इंटरचेंज करना है या तो रनिंग वाइंडिंग का करना है यानी कि मेन वाइंडिंग का करना है या तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करना है, किसी एक का करना है अब ऑप्शन में केवल ये लिखा था इसलिए ये लगा दिया नेक्स्ट प्लेट एरिया ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटर इज दिस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इफ द इंसुलेटिंग मीडियम इज एयर इट्स कैपेसिटेंस विल बी तो आप देखो यार यहां पर मेरे पास एक प्लेट अवेलेबल है और अगर मेरे पास यहां पर एक प्लेट अवेलेबल है तो जो प्लेट का एरिया है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है है ना वो आपको देख रखा है तो प्लेट का एरिया भी देकर रखा है डिस्टेंस भी देकर रखा है और इनके बीच में जो एयर है तो एयर की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितनी वन तो सी का वैल्यू निकालना है तो सी क्या होता है बेटा सी होता है हमारा एपसाइल नॉट ए बाई डी अब एप्साइल नॉट क्या होता है एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस ट्वेल्व एरिया की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो एरिया बेसिकली हमारे पास अवेलेबल है इतना यानी कि जीरो पॉइंट जीरो वन है ना जीरो पॉइंट जीरो वन और अगर मैं लेंथ की बात करने चला जाऊंगा तो जो लेंथ मेरे पास अवेलेबल है वो है ढाई सेंटीमीटर यानी कि टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड ये मेरे पास लेंथ अवेलेबल है अब ये मेरे पास लेंथ है यानी कि 8.854 इंटू हंड्रेड इंटू टेन की पावर ऑफ माइनस ट्वेल्व यानी कि दी पावर ऑफ माइनस ट्वेल्व आना चाहिए तो थ्री पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी पावर ऑफ माइनस ट्वेल्व इज परफेक्ट करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन अभी ये आ रहा है ए सी लगा रहे हो है? उंगली चलना बंद हो गई क्या ये आ रहा है आंसर मालूम नहीं क्या लगाने लगते हैं हेलो सुष्मिता काय को हेलो सुष्मिता ये आएगा आंसर चलो व वैल्यू ऑफ आर एल विच रिजल्ट इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इन द सर्किट गेवन बिलो जल्दी करेंगे एवरी वन तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं अरे तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं चलो तो द वैल्यू ऑफ आर एल बीच रिजल्ट इन मैक्सिमम पावर तो बेटा आपको यहां पे आर एल का वैल्यू निकालनी है ताकि आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर हो

टेन पैरल फिफ्टीन और टेन पैरल फिफ्टीन के साथ कितना हो जाएगा प्लस पांच तो 10 15 और, और क्या हो जाएगा प्लस पांच हो जाएगा तो पंद्रह दस इन टू कितना हो गया? 25 प्लस प्लस पांच तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस छह कितना ग्यारह द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेवन ओम इज दर्फेक्ट करेक्ट आंसर हमें नहीं पता आप क्या सोच रहे हो बहुत बढ़िया गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सोचना भी मत ऐसा चलो अपनी सोच नहीं बनाओ है ना ध्यान रखना चलिए द वैल्यू ए बी सी डी कॉन्स्टेंट फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आर रिस्पेक्टिवली तो अगर मान लीजिए ए बी सी डी हमारे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स है बेटा तो आपको बताना है क्या बात सही होगी और क्या गलत तो अगर ए बी सी डी की बात करता हूं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो ए और डी हमारा वन के बराबर होता है बी जेड के बराबर होता है और सी हमारा जीरो के बराबर होता है तो ए और डी हमारा वन हो चुका है तो ए और डी वन है बी हमारा जेड है और सी जीरो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है सी नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज फॉर न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर फ्रॉम में से न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर की प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी न्यूट्रल वायर के लिए और अर्थ वायर के लिए है मतलब कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से न्यूट्रल वायर की है और कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से क्लियर है ना कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से अर्थ वायर की?

गुड गुड ग तो गाइस देखेंगे एक एल सर्किट के बारे में एक सीरीज रेजोनेंस की बात कर लेता हूं तो एक आरएलसी के बारे में बात करता हूं ये हमारे पास रजिस्टर है ये हमारे पास इंडक्टर है ये हमारे पास कैपेसिटर है ये हमारे पास एक अवेलेबल है आरएलसी नाम की सर्किट अब आप देखोगे ये हमारे पास एक आरएलसी नाम की सर्किट है ये आर है ये एल है और ये सी है अगर हम बात करते हैं बेटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी इतनी है सारे कंपोनेंट्स को डबल कर देंगे तो न्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वन अपॉन रूट एल सी होता है अगर अब आप एल और सी का वैल्यू डबल कर दो तो बेटा इन दोनों को डबल करूंगा तो टू बाहर आ जाएगा तो जो न्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी वन बाय रूट एल सी और एक टू बाहर आ जाएगा तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस वन किलो ओम है और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी कि लोअर कट ऑफ और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेन और नाइनटी है बैंडविथ और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी जल्दी करेंगे तो आपको बताना है बैंडविथ क्या होगी और बेटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो बैंडविथ और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है तो बेटा बैंडविथ और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है जल्दी कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट इज द बैंडविथ एंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और बैंडविथ के बारे में अगर हम बात करने जाएंगे तो वो कितना निकल के आएगा भाई साहब याद रखिएगा ये बेसिकली हमारा वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है ये वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको हम जिनको हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब ये हमारी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी है, हमारी देखने को मिलता है। और याद रखिएगा बेटा ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जब हमको करंट देखने को मिलता है मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट टू यहाँ पे पावर हाफ हो जाती है इसी की फ्रीक्वेंसी की रेंज को ही अपन लोग क्या बोलते हैं प्यार से बैंडविथ बोलते हैं समझ में आ रहा है चचा आ रहा है तो बैंडविथ कितनी आई बेटा तो बैंडविथ हमारी निकल के आती है कितनी एफ एच यानी कि हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर अब हायर कितनी अवेलेबल है सर हायर है नाइन्टी लोअर कितनी अवेलेबल है टेन तो नाइनटी माइनस टेन कितना एट्टी तो बैंडविथ कितनी हो गई बेटा एटी किलो हर्ट अब देखो वापस से ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है यस सर आपसे क्या पूछा गया था बैंडविथ और बैंडविथ आपको सर पूछा क्या गया था भाई बैंडविथ निकालनी थी और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो बेटा बैंडविथ तो आ गई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्या ये फॉर्मूला लगाना है एफ एल इंटू एफ एच कभी भी bandwidth divided by two मत कर देना के लिए क्या करोगे हमेशा FL into FH. अब FL कितना available है? 10. FH कितना है है तो कितना हो 900. और अगर 900 हो गया तो ये कितना निकल के आ जाएगा बेटा नाइन हंड्रेड मतलब कितना निकल के आ जाएगा थ्री इंटू टेन तो यानी कि कितना थर्टी किलो हर्ट्ज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू नेक्स्ट एक क्लास ए एम्पलीफायर में आउटपुट करंट कितनी देर के लिए फ्लो होता है एक क्लास ए एम्पलीफायर का आउटपुट करंट कितनी देर के लिए फ्लो होता है एक क्लास ए एम्पलीफायर का आउटपुट करंट कितनी देर के लिए फ्लो होता है जल्दी बोलेंगे एक क्लास ए एम्पलीफायर का आउटपुट करंट कितनी देर के लिए फ्लो होता है एक क्लास ए एम्पलीफायर का आउटपुट करंट कितनी देर के लिए फ्लो होता है अगर मैं क्लास ए की बात करता हूं तो आउटपुट करंट पूरी साइकिल के लिए फ्लो होता है याद रखना अगर मैं बात करता हूं क्लास बी की तो आउटपुट करंट जो होता है वो आधी साइकिल के लिए होता है और क्लास सी की बात करता हूं तो वो आधी से भी कम के लिए होता है तो आउटपुट करंट फ्लो होता है क्लास सी में इतने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एम्प्लीफायर बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या पुष्पुल एम्प्लीफायर और ये होता है क्लास ए एम्प्लीफायर ठीक है याद रखिएगा तो कितना होता है बेटा क्लास ए तो फुल साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल तो इनपुट सिग्नल की फुल साइकिल के लिए एक बार फिर दिल से लाइक करेंगे और जल्दी बताएंगे किस लेवल का सेशन था ये, और कल पांच बजे से मैराथन कल पांच बजे से मैराथन मामा डाओ में ढिंडोरा पिटवा दो कल पांच बजे से मैराथन एक बार सेशन को लाइक मारेंगे सभी बच्चे एवरीवन और अभी पांच बजे फिर मिलना है क्या बोलते हो यस सर ये देखो थैंक यू लिखते हैं दोनों के दोनों अबे क्लास खत्म नहीं हुई अभी है चलो नेक्स्ट थैंक यू सर इतनी जल्दी जाने की रहती है बाहर कुत्ता भी नहीं पूछता कि कौन हो पूछता है, कभी जाते है के बाहर, में बैठा था, पूछता है। और भैया कैसे हो दीदी कैसे हो यहाँ पे कम से कम एक दूसरे को पूछ तो रहे आपस में सब बात तो कर रहे हैं मैं पूछ रहा हूं कैसे हो क्या हो बाहर कुत्ता भी नहीं पूछता हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलता कुत्ता भोंक देता पीछे से और कभी कभी आगे से आके भोंकता है हा जाए चलो मर्करी वेपर एट लो प्रेशर नियॉन गैस सोडियम वेपर मर्करी वेपर एट हाई प्रेशर जल्दी बोलेंगे एवरीवन चले तो बेटा एक याद रखना जिंदगी भर कि सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं कि सोडियम वेपर लैंप हमको हमेशा येलो कलर प्रोवाइड करता है क्या प्रोवाइड करता है येलो कलर प्रोवाइड करता है तो सी का हो गया भाई वन क्या हो गया बेटा सी का वन तो या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है अब चलते हैं अपन लोग बाकी की तरफ मरकरी मरकरी वेपर वेपर लो प्रेशर प्रेशर और हाई प्रेशर। तो बेटा जो है वो कौन सा कलर देता है ठीक है न्योन गैस कौन सा कलर देता है तो यार देखो न्योन गैस जो होता है ना वो रेडिश कलर आपको देगा है ना रेड पिंक का कलर न्योन गैस देगा तो बी का हमारा कितना हो जाता है बेटा फाइव हो जाता है बी का फाइव हो जाएगा तो मतलब कौन से ऑप्शन है यही वाले ऑप्शन है अब चलते हैं इसके बाद लो प्रेशर मरकरी और लो और मरकरी मरकरी कलर लो और मरकरी का हाई प्रेशर तो बेटा मरकरी का जो लो प्रेशर होता है ना वो ब्राइटिश व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है और मरकरी जो अब हाई प्रेशर पे होती है वेपर लैम्प में तो वो हमेशा ब्लूइश ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है तो याद रखिएगा ये ब्राइट व्हाइट वाला मर्करी वेपर लैंप जो होता है वो लो प्रेशर का होता है इसको स्टेडियम में यूज करते हैं फ्लड लाइटिंग के लिए और जो हाई प्रेशर का वेपर लैंप होता है इसको पुराने जमाने में स्ट्रीट लाइट में भी यूज करते थे और अगर मैं बात करूं आप लोगों से है ना तो आज की डेट में जैसे एले हो गया लॉस एंजलिस हो गया है ना इंडिया में तो नहीं करते बट एले हो गया या मैं बोलता हूं साउथहैम्पटन हो गया इन जगहों पर आज भी स्ट्रीट लैंप्स के अंदर हाई प्रेशर के मर्करी वेपर लैंप होते हैं चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं आप बोलोगे आपको कैसे मतलब साउथ हेम्प्टन में आप मूवी में देखा हुआ है इसलिए याद है एकदम है ना एले भी मूवी में

है ना ये इंडिया का नहीं है बेटा है ना ये स्ट्रीट लाइट में लगा हुआ ठीक है ये स्ट्रीट लाइट में लगा हुआ है क्लियर तो ये स्ट्रीट लाइट में लगाया जाता है और देख और दिखाना है तेरे को और देखना है और भी देख सकता है तो कोई दिक्कत नहीं ये देख ये स्ट्रीट लाइट में लगा हुआ ये देख ये देख, देख। स्ट्रीट लाइट में लगा हुआ ब्लूइश ग्रीनिश कलर क्लियर क्लियरिटी है क्या यस सर तो बेटा ये ये देखो तो ये स्ट्रीट लाइट में लगता है और जो ब्राइट व्हाइट वाला है ना वो आपका फ्लड लाइटिंग स्टेडियम में लगता है ठीक है याद रखना तो बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है कि मर्की वेपर लैम जो में लगाते हैं फ्लड लाइटिंग के लिए वो लो प्रेशर होता है कि हाई प्रेशर तो आपको बोलना है लो प्रेशर कभी भी हाई प्रेशर आंसर नहीं लगाना ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर बीजेटी हमारे पास देख रखा है अल्फा और एमीटर करेंट और आईसीओ तो आईसीईओ का वैल्यू कितना होगा तो हमेशा याद रखना ICO एक लीकेज करंट होता है जिसका जो वैल्यू होता है वो वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईसीओ के बराबर होता है ठीक है ओके अब आईसीओ तो देके रखा है बट आईसी वन प्लस बीटा नहीं देके रखा कोई बात नहीं वन प्लस बीटा निकालना है देखो कैसे निकालेंगे अल्फा अपॉन सॉरी हाँ आप देखोगे यहां पे आपको वन बीटा निकालना है ना बीटा तो देखो कैसे निकालते हैं बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा ये बीटा की वैल्यू होती है बेटा अब दोनों तरफ वन वन एड कर दो तो वन प्लस बीटा कितना निकल के आ जाएगा तो 1 वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा तो यहां से वन प्लस बीटा कितना निकल के आ जाएगा ये निकल के आ जाएगा वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा <laughs> यहां से अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल तो मेरा वन प्लस बीटा जो निकल के आ जाएगा वो वन अपॉन वन माइनस अल्फा आ जाएगा तो वन प्लस बीटा वन अपॉन वन माइनस अल्फा आ जाएगा तो मेरी आईसीईओ की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो बेसिकली कितनी आ जाएगी वन अपॉन वन माइनस अल्फा इन पॉइंट फाइव यानी कि वन बाय टू माइक्रो एम्पियर अब यहां पर वन अपॉन वन माइनस अल्फा को आप लोग पुट कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है तो अल्फा का वैल्यू है जीरो पॉइंट नाइन नाइन तो वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन और ये बेसिकली ऊपर चला जाएगा तो बनेगा हंड्रेड हंड्रेड इंटू टू कर हंड्रेड डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे टू तो ये हो जाएगा बेटा कितना पचास माइक्रो एम्पियर तो यार ये मेरा फिफ्टी माइक्रो एम्पियर निकल के आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फिफ्टी माइक्रो एम्पियर तो ये बेटिकली मेरा क्या निकल के आ गया बेटा आईसीईओ की वैल्यू निकल के आ रही दैट इज हैिफ्टी माइक्रो एम्पियर ठीक है चलिए अब बेटा पांच बजे अभी अपन वापस मिलेंगे और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है लेकिन आज मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज भी देनी है पहले तो गुड न्यूज ये है कि कल मैराथन है पांच बजे परसों भी मैराथन है पांच बजे बहुत प्यारा मैराथन करने वाले हैं कल भी और बहुत प्यारा मैराथन करने वाले हैं परसों भी मजा आ जाएगा आपको तो ये देखेंगे आप लोग मोहित कासन्या सर टेक्सट बुक ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से क्लियरिटी है क्या ओके शुभम ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको बढ़िया तरीके से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाए अब इसी क्लास के बाद हमारी एक और क्लास होती है बेटा जो कि आपको दिख रही होगी कहां पर है तो मैं आपको दिखा देता हूं इसी क्लास के बाद हमारी एक और क्लास होती है जो आपको दिख रही है ये रही पांच बजे ये क्लास भी होती है मेरी आपसे दरख्वास्त मेरी गुजारिश है आपसे क्लियर की आप इस क्लास को भी अटेंड करें मंडे से मैं तीन क्लास करने वाला हूं अभी दो लेता हूं मंडे से फ्राइडे तक के बीच में चार से पांच पांच से छह अब तीन क्लास भी लूंगा ठीक है तो इस सेशन के अंदर आ जाइएगा बेहतरीन तरीके से अब आती है इसके बाद की बात अब बात की क्या बोलते हैं तो आप देखेंगे इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत प्यारी चीज मिलेगी जिसका नाम है ए जे इलेक्ट्रिकल लाखों बच्चों की पहली पसंद जिसको लाखों बच्चों ने हमेशा पसंद किया जैसे आप ए जे इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करोगे तो एक जनवरी एक नवंबर से फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है इंडिया के हर ए एग्जाम्स के लिए

आते हो मोहित के तो जैसे ही आप लोग मोहित के लगा देंगे तुरंत इसकी प्राइस कम हो जाएगी मोहित के अप्लाई करने के बाद क्लियरिटी है क्या तो मिलते हैं सेशन में सो थैंक यू वेरी केयर एंड लव यू एवरीबॉडी पांच बजे फिर मिलना है थैंक यू वेरी मच